हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सओआर और एक्सनॉर गेट्स को निकालना, लेकिन किस गेट में से निकालना, यूनिवर्सल गेट्स में से निकालना। अब बच्चों, यूनिवर्सल गेट्स दो होते हैं, नैंड होता है और नॉर होता है। लास्ट के लेक्चर्स में मैंने यूनिवर्सल गेट्स से आपको बेसिक गेट्स निकालने सिखाए थे, और बच्चों आज की लेक्चर में हम एक्सक्लूसिव गेट्स यानी कि एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर के बारे में बताएंगे, और उन दोनों गेट्स के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन किस में से दिखाएंगे बच्चों, स्पेशली हम नैंड गेट में से एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को निकालेंगे। जिस तरीके से हम एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को नैंड में से निकालेंगे, उसी तरीके से आप नॉर में से एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे कैसे नैंड गेट से कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक्सक्लूसिव गेट्स के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमें नैंड गेट के बारे में और उसके ट्रुथ टेबल के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके लॉजिक सिंबल के बारे में मालूम होना चाहिए, और साथ में जिन गेट्स को हम बना रहे हैं उनके लॉजिक सिंबल्स और ट्रुथ टेबल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, एक्सक्लूसिव और को निकालते हैं नैंड में से। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिख रहा हूं एक्सऑर गेट फ्रॉम NAND गेट। तो देखिए बच्चों, मैं यहां पर क्या करूंगा, आगे मैं सबसे पहले तो XOR गेट बना के दिखाऊंगा आपको कि XOR गेट और दूसरा NAND गेट भी और XOR गेट्स की भी बात करूंगा। देखिए यहां पर मैं NAND गेट बनाता हूं। आप जानते हैं NAND गेट इस तरीके से होता है, ये एक NAND गेट है जिसके सपोज A और B दो इनपुट्स है, और इसका आउटपुट जो होता है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड दिस इज नैंड गेट। और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो मैं यहां पर आपको बताता हूं। ट्रुथ टेबल मींस इनपुट्स और आउटपुट्स का रिलेशन जो देता है ए बी और वाई। यहां पर वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। 0011 चार कॉम्बिनेशंस होंगे, और इसका आप आउटपुट जानते हैं, यहां पर 1 होगा और बाकी 1 1 1, और इस केस में सिर्फ आपके पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्योंकि जब आप 0 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, और उसका क्या होता है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 1 होता है। यहां पर भी 0 आता है, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, और 1 और 1 का आंसर 1 आता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, 0। तो देखिए बच्चों, ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। तो बच्चों, साथ में हमें किसका मालूम होना चाहिए, एक्सक्लूसिव आर का मालूम होना चाहिए। और एक्सक्लूसिव आर को मैं यहां पर रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। एक्सक्लूसिव आर कुछ इस तरीके से होता है, इट इज एक्सक्लूसिव आर, ये एक्सऑर गेट है, दिस इज एक्सऑर गेट, और यहां पर आप लिखेंगे ए बी, ये इनपुट्स है, और वाई इक्वल्स टू एक्सक्लूसिव आर का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी हम पढ़ चुके हैं, और इसका ट्रुथ टेबल मैं यहां पर डाल देता हूं, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सक्लूसिव आर गेट। देखिए बच्चों, इसका ट्रुथ टेबल ये होगा, ए बी एंड वाई इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव बी। यहां पर भी चार कॉम्बिनेशंस 0101, और यहां पर तब ही आपके पास क्या आता है, यहां पर 1 1 आएगा, बाकी दो केसेस में 0 आएगा। ये हम कर चुके हैं। अब बच्चों, मैं बनाना चाहता हूं इन्हीं गेट्स का प्रयोग करूंगा, मतलब नैंड गेट्स, वन और मोर देन वन नैंड गेट को जोड़कर हम एक्सक्लूसिव आर बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, ये आप नोट कर दीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, और यहां पर इसकी मदद से ये गेट बनाने की कोशिश करता हूं। मैं बना रहा हूं एक्सक्लूसिव और फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट्स। तो देखिए बच्चों, ये गेट हम बनाने जा रहे हैं, और इस गेट को हम यहां पर, मैं जल्दी जल्दी यहां पर ड्रॉ कर देता हूं,
ये आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सॉर जिसको कहते हैं, ए बी वाई इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव बी। अब देखिए बच्चों, ये एक्सक्लूसिव आर का है और ये नैंड का है, हमें नैंड का प्रयोग करना। तो मैं इसको आपको एक तरीका दिखाता हूं कि आप कैसे इन नैंड्स को जोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले दो नैंड्स यहां पर बना दीजिए, ये नैंड यहां पर बना दिया, और ठीक इसके सामने थोड़ी सिमिट्री से इससे नीचे बना दीजिए। अब देखिए बच्चों, अगर आपने दो नेंड ऐसे बनाए हैं तो दो नेंड आपको कैसे बनाने पड़ेंगे, अगर ऐसे रखा तो एक इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, तो पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां पर एक और नेंड बना देता हूं, ये नेंड एक और बना दिया, और एक और यहां पर आप बना दीजिए। देखिए बच्चों, बहुत आसान है। पहला तो ये याद रख लीजिए, चार नेंड गेट्स आप बनाएंगे। अब कैसे आप इनकी इनपुट्स देंगे, आपको पता है इसको दो चाहिए और इसको भी दो इनपुट्स चाहिए। तो देखिए, आप स्टार्टिंग यहां से करेंगे, इसको आप ए मानिए और इसको आप बी मानिए, यहां पे आप इसको बी मानिए। और बच्चों यहां से देखिए, आप यहां से अगर इसका पार्ट ले लेंगे, इसका एक हिस्सा लेंगे तो आप इसको दे सकते हैं, और अगर आप इसका एक हिस्सा लेंगे तो आप इसको दे सकते हैं। तो बोलो बच्चों, पहला वाला नैंड गेट के पास दो के दो इनपुट्स आ गए। अब बच्चों, इसकी एक आउटपुट होगी, इसको भी दो हिस्सों में बांटेंगे, और यहां से हमें एक इधर को दे देंगे और एक इसको दे देंगे। बोलिए बच्चों, इसके पास भी दो इनपुट्स, इसके पास भी दो इनपुट्स। तरीका देख लीजिए, थोड़ा अच्छे तरीके से बनाऊंगा मैं इसको। यहां से ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, यहां पर हमारे पास ये चीज आ गई, और अब इसका जो आउटपुट होगा उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, और इसको यहां पे लेके जाइए, इसको यहां पे लेके जाइए, और इसको यहां पे लेके जाइए। देखिए बच्चों, ये जो मैंने तामझाम, ये जितना भी ढांचा बनाया, ये सारा का सारा नैंड गेट्स है। ये नैंड 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 नैंड, और इन नैंड गेट से मैं ये ढांचे को कह सकता हूं कि ये पूरा ढांचा एग्जॉर की तरह बिहेव करेगा। पर कैसे करेगा बच्चों, मतलब हम देखेंगे कि इसका और इसका फंक्शन सेम होना चाहिए, तो तब जाके हम बोल सकते हैं कि हम नैंड का प्रयोग करके एक्सक्लूसिव और बना सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे फंक्शंस इस पर अप्लाई होके जो काम ये करेगा वही ये करना चाहिए। देखिए बच्चों, एक्सक्लूसिव और पहला वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं, जीरो एंड जीरो, मतलब ए को जीरो रखे, जीरो रखे, आउटपुट क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो आना चाहिए, मतलब यहां पर जीरो आना चाहिए। तो इस केस को आप यहां पर अप्लाई करते हैं, मतलब यहां से स्टार्ट करते, अगर मैं ए को जीरो दूं और बी को भी जीरो दूं तो मुझे यहां पे जाके क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। तो बोलिए बच्चों, अगर मैंने इसको ए को जीरो दिया है तो ये जीरो सीधे यहां तक तो जीरो जाएगा, और इसी को पार्ट करके यहां पर भी जीरो आएगा, ये जीरो यहां पर भी जीरो जाएगा, और ये जीरो यहां पर भी जीरो जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला गेट जो है, फर्स्ट गेट, फर्स्ट नैंड, सेकेंड नैंड, थर्ड नैंड एंड फोर्थ नैंड, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर नैंड्स गिव्स अस द एक्सक्लूसिव आर। पर मैं बोल चुका हूं, मुझे मालूम है ये ही आएगा, लेकिन आपको कब मालूम होगा, जब मैं इसको प्रूफ करके दूंगा। देखिए बच्चों, पहले इस पे देखते हैं, जीरो और जीरो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल ये है, जीरो और जीरो के कॉम्बिनेशन में हमें मिलता है वन, इसका मतलब ये गेट हमें क्या बना के दे देगा, यहां पर वन। बोले बच्चों, ये वन दो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब वन इधर भी है और वन इधर भी है। अब बोलिए, अब मैं इस गेट को पकड़ता हूं, बोलिए बच्चों, जीरो और वन का कॉम्बिनेशन, जीरो और वन के कॉम्बिनेशन में मिलता है वन, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा वन, और वन और जीरो का कॉम्बिनेशन, वन और जीरो के कॉम्बिनेशन में मिलता है वन, इसका मतलब यहां पर भी आ जाएगा वन। बोले बच्चों, ये ही वन तो इधर आएगा और ये ही वन इधर आएगा, वन और वन का नैंड क्या होता है, वन और वन का नैंड होता है जीरो। तो बोलिए बच्चों, जीरो और जीरो पे हमें जीरो आना चाहिए था, देखो जीरो और जीरो पे लास्ट आंसर हमारे पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब पहला वाला फंक्शन प्रूव कर दिया, पहली वाली कंडीशन इस लॉजिक सर्किट ने बता दिया है कि मैं कौन सा गेट हूं, मैं किन गेट से बना हूं, मैं नैंड से बना हूं, लेकिन मैं किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, मैं एक्सक्लूसिव और का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। अब बच्चों, ये मैंने कर दिया टिक, इसको प्रूव कर दिया, अब इस पे जाएंगे, जीरो और वन वाले केस पे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब मुझे ये जितने भी थे इन केसेस को मिटाना पड़ेगा, ये देखिए, ये सब मिटाता हूं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पे क्या आएगा,
यहां पर मैं डस्ट ये मिटा देता हूं। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब यहां पर अब हम जाना चाहते हैं जीरो और वन वाले केस पे। अगर इधर जीरो डाले इधर वन डाले तो ये चाहता है कि वन बनाना है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। मतलब अगर मैं इधर जीरो रखूं और इधर वन रखूं तो यहां पर भी वन आना चाहिए। तो चलो चलते हैं उसी तरीके से। बोलिए बच्चों, ये जीरो है तो ये यहां पर भी जीरो जाएगा और यहां पर भी जीरो जाएगा। यहां पर वन है तो यहां पर वन जाएगा और ये सीधे आगे वन जाएगा। बोलिए बच्चों, पहले इस गेट पे देखते हैं जीरो वन का नेंड क्या होता है। जीरो वन का नेंड होता है वन, इसके बोलो यहां पे आएगा वन। बोलिए ये वन इधर जाएगा, ये वन इधर भी जाएगा। अब कौन सा जीरो और वन का, जीरो और वन का नेंड होता है दोबारा से वन, और वन और वन का देखिए बच्चों, वन और वन, वन और वन का नेंड होता है जीरो, इसका मतलब ये जीरो आएगा। यहां पर वन और ये जीरो, वन और जीरो का, वन और जीरो का नेंड आता है वन। तो बोलिए बच्चों क्या प्रूव हो गया? यस, जीरो और वन पे वन आना चाहिए था, जीरो और वन पे यहां पर क्या आया है, वन आया है। अब देखिए बच्चों, जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गई है तो उसको बार बार करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए बच्चों, आप देखिए ये सिमेट्री वाला दिख रहा है आपको, कुछ सिमेट्री दिख रही है। सिमेट्री मींस मतलब आधा पोर्शन ऊपर, देखिए ये सिमेट्री, इसीलिए देखो अगर इसको ऐसे बांटू मैं तो बराबर दो हिस्सों में ऐसे बंट जाएगा। इसका मतलब अगर जीरो और वन का केस प्रूव हो गया है तो वन और जीरो को तो अल्टीमेटली हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इधर वन डालूंगा, अगर मैं इधर वन डालूंगा और इधर जीरो डालूंगा तो जो कंडीशंस इस साइड से पहले हुई अब वो ऊपर से होंगी और नीचे से लास्ट में, दोबारा से क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो इस पे तो सिमेट्री लगा दी, लेकिन ये वाला है वन और वन पे कितना आना चाहिए, जीरो। तो बच्चों मैंने थर्ड वाला स्टेप क्या कर दिया है, स्किप किया है। अब मैं क्या करता हूं, लास्ट वाला स्टेप जो है वन और वन पे कितना आना चाहिए, जीरो। मतलब वन एंड वन पे आना चाहिए हमारे पास जीरो। तो देखिए बच्चों, वन तो मैं यहां पे रख दूंगा और वन वाली बात करेंगे, क्योंकि ये वन तो है ही, वन तो है ही, मतलब ये सारी की सारी चीजें तो वो ही रहेंगी। लेकिन अब मैं सबको मिटाना चाहूंगा क्योंकि उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए वन एंड वन, आंसर शुड बी जीरो, जीरो आना चाहिए। बोले बच्चों अगर ये वन है तो ये भी वन होगा और ये वन है ये भी वन होगा। वन और वन पे क्या होता है बच्चों, वन और वन पे नेंड होता है जीरो, इसका मतलब यहां पे आएगा जीरो और ये वन इधर था। और बच्चों ये देखिए, ये जीरो दोबारा से इधर आ जाएगा, इधर भी जाएगा और ये वन इधर आएगा। बोले बच्चों वन और जीरो का, वन और जीरो का नेंड होता है वन, इसका मतलब यहां पे आएगा वन। और जीरो और वन का, जीरो और वन का नेंड भी होता है वन, इसका मतलब ये आएगा वन, ये भी वन और ये भी वन। वन और वन का नेंड, देखिए वन और वन का नेंड आएगा जीरो। क्या मैच कर गया? यस ऑफ कोर्स, हमारे चार के चार केसेस जो हैं प्रूव हो चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट वी कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सक्लूसिव ऑर फ्रॉम द नेंड गेट, एंड इंस्टेड ऑफ दीज नेंड्स इफ वी यूज द नॉर गेट्स वी कैन गेट द सेम। हम उसी तरीके से कौन से एक्सक्लूसिव और को पा सकते हैं। अब हमारे पास बात है बच्चों एक्सक्लूसिव नॉर की बात है। अब देखिए मैं इस सर्किट को मिटाना नहीं चाहूंगा। बोले बच्चों जिसको एक्सक्लूसिव आर मालूम है तो वो एक्सक्लूसिव नॉर को तो अच्छी तरह से जान सकता है। बोले कैसे? एक्सक्लूसिव नॉर मतलब वेन एवर अ नॉट गेट इज फॉलोड, मतलब एक्सऑर गेट मीन्स एक्स ऑर को अगर एक नॉट गेट फॉलो करे तो वो कौन सा होता है? एक्सनॉर होता है। मतलब ये गेट जो है इस तरीके से मैंने कौन सा गेट बनाया बच्चों, ये है हमारे पास, ये है एक्सऑर। अगर इसको एक नॉट लगा दें आगे तो इसका मतलब ये आगे जो बन जाता है, ये पूरा जो ढांचा बन जाता है, ये बन जाता है एक्सनॉर। और इसका ट्रुथ टेबल भी आप जानते हैं, इसका उल्टा होगा। मतलब इस वाले केस में क्या आया बच्चों, जहां पे वन वन है वहां पे जीरो कर दीजिए और जहां पे जीरो जीरो वहां पर वन कर दीजिए। तो यहां पर अब मैं एक्सऑर के बदले किसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहूंगा, एक्सनॉर का। नेंड तो चाहिए ही चाहिए, ए बी वाई इक्वल्स टू एक्सनॉर के लिए ये होता है बच्चों ए डॉट ए वाला। और यहां पर देखिए जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, और यहां पे आता है वन जीरो जीरो जीरो, क्योंकि वन जीरो जीरो वन। बोले बच्चों अब ये ही ढांचा बनाएंगे बच्चों आप, क्योंकि अगर ये एक्सऑर है तो बोले बच्चों एक्सनॉर कैसे बनाएंगे? मतलब इसको एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा आगे,
बोले बच्चों इसको अगर नॉट गेट ऐसे लगा दे, अरे भाई परेशानी हो जाएगी, ये नॉट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ नैंड से नैंड गेट चाहिए। बोलो बच्चों नैंड वाला नॉट कौन सा था? नैंड वाला नॉट ऐसा होता था बच्चों, यहां से ये वाला नैंड वाला नॉट था, एक इनपुट को बदल, मतलब इसके सामने अगर मैं ये लगा दूं तो ये कौन सा गेट बन जाएगा? एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा। तो बच्चों इसके सामने मैं अब इसको मिटा रहा हूं और क्या कर दूंगा, यहां पर ये सर्किट वैसे के वैसा, और इसको दो इनपुट्स में बदल दूंगा और यहां पर एक और नैंड पर, ये कौन सा है? नैंड गेट एक्ट्स एज अ नॉट गेट, तो ये वाला आउटपुट दे देगा वाई इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव नॉर, और ये आप जानते हैं इसके बराबर होगा। और इस तरीके से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव नॉर को निकाल सकते हैं यूनिवर्सल गेट से। तो बच्चों ये था गेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डी मॉर्गन लॉज जो है उनसे रिलेटेड आपको उसके जो लॉज है उनको करवाऊंगा और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।